बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 12th लेक्चर ऑफ 3 क्लास द साइंस फैक्टर। नाउ ओपन पेज नंबर 8। प्यारे बच्चों, हमने नोज़ के बारे में पढ़ा था, ये हमारी सांस लेने में कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट नाइस स्मेलिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट नाइस स्मेलिंग थिंग्स दैट आर नोज टेल्स अस अबाउट। ये बहुत अहम है क्योंकि हमारा नोज़ हमें सिर्फ खुशबूदार चीज़ों के बारे में नहीं बताता, बल्कि नेक्स्ट देखें, इट ऑल्सो लेट्स अस नो वैन बैड स्मेलिंग थिंग्स आर नियर बाय। इट ऑल्सो लेट्स अस नो वैन बैड स्मेलिंग थिंग्स आर नियर बाय। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे करीब की जो चीज़ है उसमें से बदबू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, नोज़ हमें अच्छी चीज़ों के साथ साथ बैड थिंग्स यानी बैड स्मेलिंग थिंग्स बुरी चीज़ों के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट है, दिस कैन हेल्प टू आल्टर अस टू डेंजर। दिस कैन हेल्प टू आल्टर अस टू डेंजर। नोज़ से हमें और क्या होता है, इससे हमें ख़तरे में बदलने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाट द थर्ड फंक्शन ऑफ द नोज़ इज़। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि तीसरा फंक्शन, तीसरा काम कौन सा है नोज़ का? इट अलाउज़ अस टू टेस्ट। इट अलाउज़ अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग। ये हमें बताता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम जो चीज़ हम खा रहे हैं उसके टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम कौन सी चीज़ खा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, यू माइट थिंक ओनली द टंग डज दैट। आप शायद ये सोच रहे हों कि सिर्फ ज़ुबान की वजह से ही आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन किसका टेस्ट कैसा है। बट मच ऑफ द प्लेजेंट सेंसेशन वी गेट फ्रॉम ईटिंग टेस्टी फूड कम्स फ्रॉम इट्स स्मेल। आपको लगता है कि सिर्फ ज़ुबान ही ऐसा करती है, लेकिन हमें लज्जत बख्श खाना खाने से बहुत खुशगवार एहसास होता है। यानी हम पहले उसको अगर स्मेल करें तो हमें तब भी उसके टेस्ट का आइडिया हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।